शायद आपको अभी तक अपने भाई की काबिलियत पे यकीन नहीं है। सर ये पोजीशनिंग गड़बड़ हो गई है। एक्शन, ये पकड़ा, ट्रैक चार्ज। सर वो जो डंडा ऊपर गया आप समझ गए कि छोल हो रहा है। सर वेलकम टू बॉलीवुड विंडो। तो सबसे पहले तो हम सीन के बारे में थोड़ा सा कुछ जानना चाहेंगे कि आखिर सिम सिम और रोशनी के बीच में क्या चल रहा है। और आप इब्लिस जो है वो अभी अभी आया है रोशनी के पास में और वो उसने रोशनी को बंदी बना रखा है क्योंकि वो रोशनी से जानना चाहता है कि अली बाबा को उसने काम भेज दिया है, काम लगा दिया है। तो अली बाबा के पास में एक ऐसी चीज है जो इब्लिस हासिल करना चाहता है जिससे कि वो पूरी कायनात पे हुकूमत करेगा। तो वो सीन चल रहा है। ओके सर, अगर अपकमिंग ट्विस्ट की बात की जाए तो और क्या क्या ऑडियंस को मसाले देखने मिल सकते हैं? पूरा शो ही मसालेदार है, आपको बहुत कुछ एक्शन देखने को मिलेगा। ऑलरेडी आप देख ही रहे हैं इतना एक्शन हो रहा है, मैजिकल चीजें हो रही हैं, सब कुछ इट्स अ फैंटेसी, इट्स ऑल मैजिकल। तो और सारे इब्लिस इज द ओनली मेन विलन, द नेगेटिव कैरेक्टर इन द शो। तो वो जो है वो सबको परेशान करेगा, सबके साथ सीन्स हैं, जितने भी किरदार हैं सबकी आफत आई हुई है। ओके लास्टली जाते जाते आपके फैंस एंड व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज? थैंक यू सो मच, आपने इब्लिस को इतना प्यार दिया, सोशल मीडिया पे आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, लिख रहे हैं, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ। हाय गाइस, दिस इज आरव चौधरी एंड यू आर ऑल वॉचिंग बॉलीवुड विंडो।